केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बाहर बेड़े में लेटे हुए थे, ये लड़के ने आके मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे गोद में उठा के रूम में ले गया। मुझे मेरे मुंह में कपड़ा भर के मेरे हाथ बांध दिए थे, फिर मेरा रेप किया। लड़का कौन है? लड़की का नाम बताओ। लड़का कहाँ का रहने वाला है? यहीं पे रहता है। अच्छा, आपके घर वाले कहाँ थे उस वक्त? सो रहे थे। फिर घर वालों को कैसे पता लगा? मैंने चीखा मारा, फिर मेरे पापा ने सुना, फिर वो उठ के आए, फिर उन्होंने मेरी मम्मी को जगाया। और लड़के को? लड़के को तो पता चल गया, फिर मैंने चीखा मारा, फिर मेरे पापा ने लड़के को पकड़ा और फिर उसके घर वाले भी उठ गए थे। अच्छा, लड़का आपके साथ ही रहता है? हाँ जी, हमारे घर के साथ ही। क्या करता है लड़का? मुझे नहीं पता क्या। आप पढ़ते हो? नहीं, मैं तो काम करती हूँ। क्या उम्र क्या है आपकी? 15 साल। एक कंप्लेंट आई थी साढ़े को थाना बस्ती बाबा के, जिसके तहत असं एक एफ आई आर जी रजिस्टर की बस्ती बाबा के थाने। तो लड़की का जो मेडिकल है जी साढ़े ए सी है वो करवा गई है सिविल हॉस्पिटल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੁੜਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ? 376 ਹੈਗੀ ਆ, 3-4 ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਸਰ? ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੁੜੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾਬਾਲਕ ਹੈ? ਨਾਬਾਲਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जो हमारी बेइज्जती उछली है तो उसको पूरा हक मिलना चाहिए, जो उसको सजा होती है। ठीक है, आज हम छोड़ देंगे, किसी दूसरी लड़की के साथ में होगा उसके बाद। मेरा घर वाला बीमार पड़ा हुआ है, पेट में पड़ा हुआ है, वो आया नहीं मेरा सेवा। ठीक है, ठीक है।
दूसरी गल आपका 163 नंबर पर्चा आज की डेट में दर्ज हो गया, 500 एक्स लगा हुआ, 376 एटीसी लगाई है और क्या जाती है। हमारे सबकी तो लड़कियां घूम रही हैं, किसकी सुनवाई होगी? सुबह 9 बजे से हम लोग थाने में पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, भूखे प्यासे, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है, वो पैसे लगा दिया हमने, यहाँ खाली पैसे की सुनवाई हो रही है, हम लोग कोई पूछा तो पानी अंदर पानी भी पीने के नहीं जाने देते थाने के अंदर, हम लोग अंदर जाने देते आज ये लड़की के साथ छेड़ा, कल दूसरी लड़की के साथ करेगा वो, जब उसका यही धंधा है तब गरीब सही नहीं, जहाँ पे कुछ हुआ है वो मैं, देखो मेरी बात सुनो, आप नहीं थे ना मैं था, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, तुम बहुत बोलते, मैं मत बोलो, कुछ बोलना पड़ेगा, मेरी लड़की मैं नहीं बोलूंगी, ਕਰੀ ਨਾ ਆਵਾ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ
देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल के पीडी न्यूज़ हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।